अनेक प्रकार की बीमारियों में ये मनुष्य घिरा हुआ है। आयुर्वेद भी कहता है कि शरीरम व्याधि गृहम, शरीर रोगों का घर है। शरीर है ये रोगों का घर है, नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, इस जगत में हम वास करते हैं, तो इसमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं। जिन सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव एक मनुष्य जीव को बताया गया है कि मनुष्य का जीव सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इस मनुष्य ने अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया कि सीमा से बाहर ज़्यादा जब विकसित करने पर ये मनुष्य कुछ गलतियां करने लग जाता है। गलतियां क्या? जो नेचर जो है उस नेचर से दूर हटने लग जाता है। जैसे कि जंगल के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं सभी प्रकृति के ऊपर डिपेंड हैं। समय पे वो खाते हैं, दिन के अंदर उनका आहार होता है और रात्रि को वो समय के अनुसार सोते हैं, सुबह टाइम से उठ जाते हैं, सूर्य निकलने से पहले अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं संपूर्ण निद्रा प्राप्त करके। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य का आहार भी गलत है, उसकी निंद्रा भी गलत है, इसीलिए हम रोगी हो गए। जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो बीमार नहीं होते हैं। उनको कोई ऐसा मंद मारक असाध्य रोग नहीं होता है कि उनके लिए डॉक्टरों की जरूरत पड़ती, ऐसा कुछ नहीं। जिसका मेन मूल कारण है आहार और विहार, वो सही तरीके से भोजन करते हैं और सही समय पे निंद्रा लेते हैं।